इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे अपने अमेज़न के पर्सनल अकाउंट को एलएलसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप सेलर सेंट्रल ओपन करेंगे। सेलर सेंट्रल ओपन करके यहाँ पे गियर आइकन आपके पास आ रहा है, गियर आइकन में आके आप यहाँ पे अकाउंट इन्फो पे जाएंगे। तो अकाउंट इन्फो पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप इसमें इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि ये जो आप करेंगे ट्रांसफर टूवर्ड्स एलएलसी, इस ये एक्टिविटी आप जो है मेन अकाउंट से करेंगे, किसी चाइल्ड अकाउंट से नहीं करेंगे। और इसी तरह से आपका जो ब्रांड रजिस्ट्री होती है या ब्रांड रिलेटेड जो आपके टास्क होते हैं वो भी आपको चाहिए कि आप उनको अपने मेन अकाउंट से ही करें। तो मेन अकाउंट से लॉगिन होने के बाद आप सेलर सेंट्रल ओपन करेंगे, यहाँ पे गियर आइकन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अकाउंट इन्फो पे जाएंगे। और जब आप अकाउंट इन्फो पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। तो इस तरह से जब पेज आएगा, इसमें यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन, और सॉरी लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज आपके सामने इस तरह से आएगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि जब आपने इनिशियली इंडिविजुअल अकाउंट बनाया था तो वहाँ पर आपने जब अपना टैक्स एग्रीमेंट साइन किया था तो वहाँ पर आपने अपना पर नाम दिया था। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन में अपने बिजनेस का नाम डालेंगे। तो यहाँ से टैक्स इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करते हैं और टैक्स इन्फॉर्मेशन क्लिक करके ये पेज आपके सामने आएगा। अब इसमें जो आपका करंटली लीगल बिजनेस नेम है, जो कि गालिबन आपका क्या होगा, पर्सनल नेम होगा, प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो भी आपका एड्रेस था वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो लीगल बिजनेस नेम आपने अपडेट करना है, और लीगल बिजनेस में नेम अपडेट करने के लिए आपने क्या करना है, अपना टैक्स इंटरव्यू आपको दोबारा लेना होगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन करेंगे। अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके उसके बाद जब नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन आएगी वो इस तरह से आएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डिपेंड करते हैं कि आपकी जो ज़्यादातर यहाँ पर जो फॉरेन लोग सेटअप करते हैं फॉर्मेशन, वो सिंगल मेंबर एलएलसीज होती हैं। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और या अगर आप सिंगल मेंबर एलएलसी है आपकी, तो आप इंडिविजुअल ही खुद को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर डिफरेंट है आपकी तो फिर टैक्स क्लासिफिकेशन के लिए आपको फिर या तो जिनकी सर्विस यूज़ करते हुए आपने एलएलसी की फॉर्मेशन की थी आप उनसे कंसल्ट कर लें, या अगर आपके पास कोई टैक्स का टैक्स कंसल्टेंट आपके पास इनहैंड है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो इस के ऊपर फॉलो करता है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आई एम नॉट श्योर इफ आई एम नॉट आई एम ए यूएस रेजिडेंट, तो फिर आपको वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आपसे ये कहेगा कि आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें। तो अगर यहाँ पर भी आप अनश्योर हैं तो आप इसका बेहतर यही रहेगा कि आप डिस्कस कर लें उनके साथ, डिस्कस कर लें जिन जिनके सर्विसेज यूज करते आपने करते हुए आपने एलएलसी फॉर्मेशन की थी, तो वो आपको इस पर बेहतर गाइड कर देंगे। लेकिन हमारे केस में क्योंकि सिंगल मेंबर एलएलसी है और जो जिनके नाम पे ये अकाउंट है वो रेजिडेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको फुल नेम देना होगा, फुल नेम में यहाँ पर आप अपना बिजनेस का नाम देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन अपना देना है, जो कि जब आपने एलएलसी फॉर्मेशन की होगी तो वहाँ पर आपको EIN मिला होगा। तो यहाँ पर आप अपना EIN एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे आपका जो है वो एड्रेस होगा, जो कि हमारे केस में वही है जो कि पहले था, क्योंकि पर्सन नेम वही रहा, पर्सन की जो प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी वही रही, सिर्फ हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं बिजनेस के ऊपर। तो हम बस इसका जो टैक्स हमारा इंटरव्यू उसको हम दोबारा करेंगे। यहाँ से अब हम जब अगर इन तमाम इंफॉर्मेशन को हमने इनपुट कर लिया तो नेक्स्ट हमारा ये होगा कि हम यहाँ से इसको सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। ये जब पेज आपका लोड होगा तो उस पर आपके पास बेसिकली वो जो इनपुट आपने इसे पिछली स्क्रीन में डाली है वही आपसे कंफर्म कर रहा है, आप उसको देख लेंगे। हमने यहाँ पे क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न की वजह से वो जो तमाम इन्फॉर्मेशन जिससे आइडेंटिटी रिवील हो सकती है वो हमने हाइड कर रखी है यहाँ पे। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका एड्रेस वही है जो आपका एक्चुअली है, और एलएलसी का नाम वगैरह भी आप इसको मेक श्योर कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ पर भी आप एलएलसी का नाम लिखेंगे और डेट आपकी जो है वो जो भी करंट डेट होगी जिस डेट में आप उसको करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे वो प्रोसेस हो जाएगा। मैं यहाँ से सबमिट फॉर्म करता हूँ। तो जब हमने सबमिट किया जी तो ये हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ गई जी, वैलिडेटेड, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड सक्सेसफुली वैलिडेटेड। और अगेन यहाँ पे वही इनपुट आ रही है जो कि आपने सबमिट किए थे, और आप इसको चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि हम अपने जो कंसल्टेंट है उसको शो दिखा देंगे इन्फॉर्मेशन कि हमने ये इनपुट एंटर किया, ताकि
जो हम टैक्स वगैरह यहाँ पे फाइल करेंगे उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आए। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं अपने पर इंडिविजुअल अकाउंट को, एक उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं एलएलसी में।